अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें टॉप 10 अपकमिंग फास्टेस्ट ट्रेन्स का जिक्र किया गया है जो इंडिया में आने वाली हैं। इंडियन फास्टेस्ट ट्रेन्स जो टॉप 10 में हैं वो आज हम आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे कि कैसी हैं, कौन सी ट्रेन्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी पहुंच सके। इससे लास्ट जो वीडियो थी रिएक्शन की उसमें हमने इंडियन ट्रेन्स की रियलिटी जो कि मोहक मांगल एक यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उस पर रिएक्शन दिया था। इंडिया की जो इकॉनमी क्लास की ट्रेन्स हैं उनकी क्या हालत होती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका कार्ड मैं यहाँ पे ऊपर अटैच कर रहा हूँ लिंक, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज फ्यूचर की बात हो रही है तो ये सबसे पहले चल के ये वीडियो देखते हैं। बुलेट ट्रेन की तरह लग रही है। एरोप्लेन जैसी लग रही है ना। H2 हाइड्रोजन देखा है, इनकी सारी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक। बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया का। टॉप अपकमिंग फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। चलें जी, वंदे भारत एक्सप्रेस ये तो है नहीं। उसमें मतलब अपकमिंग भी हैं और ऑलरेडी जो चल रही हैं वो भी हैं। ये भी इनकी ट्रेन बहुत अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक इसमें लुक आती है लाइक बुलेट ट्रेन। अच्छा जी, इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 रिकॉर्ड की गई है और ऑपरेशनल जो है 160 पे है। 160 भी बहुत स्पीड है। RRTS नैमो भारत, अच्छा ये वो बड़ी ट्रेन है जैसे बुलेट ट्रेन में शेप वही बनाई हुई है। क्या बात है। अच्छा जी, इसकी स्पीड मैक्सिमम 160 है और ऑपरेटेड भी 160 पे है। उसके बाद है अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस इज आर इंडियन न्यूएस्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। इट इज अ नॉन एसी लो कॉस्ट स्लीपर। ओके, 130 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है, ऑपरेटेड स्पीड जो है 130 किलोमीटर। कलर कॉम्बिनेशन भी इस ट्रेन का अच्छा था। अपकमिंग फास्टेस्ट ट्रेन अब जो आएंगी वो वंदे मेट्रो। ये कैसी है, प्रपोज सर्विस दैट विल ऑपरेटेड ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी रेल नेटवर्क। यानी जिस तरह हमारे इधर मेट्रो चलती है, ये ऑरेंज लाइन है, इस तरह की ये ट्रेन है जो इंटरसिटी सिटी के अंदर ही चलेगी और इसका किराया वगैरह भी कम होता है काफ़ी। और ये साल 2024 में इसी साल में आने वाली है। हाँ, इन्होंने H2 भी वो लगाया हुआ इसमें बहुत मेरा। मैक्सिमम स्पीड 120-100 किलोमीटर एक्सपेक्टेड। ओपनिंग डेट नवंबर 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसकी ओपनिंग। वंदे राजधानी एक्सप्रेस एंड वंदे दुरंटो एक्सप्रेस। सही, राजधानी में भी इन्होंने आई थिंक इंटरसिटी को ट्रेन
ये कौन सी है जी, ये अंडर डेवलपमेंट सेमी हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस स्लीपर ट्रेन इज डिजाइन टू रिप्लेस द राजधानी एक्सप्रेस। हाँ मतलब ये भी लग्जरी बनाने जा रहे हैं और देखने में भी काफी लग्जरी लग रही थी अंदर देखकर। ये भी 2024 में आएगी और 160 टू 120 किलोमीटर पे ऑपरेटेड होगी। वंदे भारत 4.0 ट्रेन सेट विल बी मेड ऑफ लाइट वेट एल्यूमिनियम अलॉय। इट विल बिकम अ टाइटनिंग ट्रेन्स मेकिंग द फर्स्ट कमर्शियल। अच्छा ये ऐसी टेढ़ी होकर चलेगी? नहीं ये तो वैसे ही उन्होंने एनिमेटेड बनाई भी है लेकिन है प्यारा डिजाइन है इसका। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जी मुंबई टू, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया इन रूट्स पे चलेगी ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड 350 टू 360 होगी और 320 पे ऑपरेटेड होगी। ये भी 2024 में एक्सपेक्टेड की जा रही है। बुलेट ट्रेन्स अपकमिंग ये वाली हैं सारी, हाइपर लूप बिटवीन मुंबई टू पुणे, हाइपर लूप बिटवीन बैंगलोर टू चेन्नई। ये था फ्यूचर इंडियन रेलवे का, मतलब कितनी ज़्यादा ट्रेन्स लेके आ रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख भी हुआ है और मैं गिला भी करूँगा कि लास्ट वीडियो जो हमने देखी है रियलिटी ऑफ इंडियन ट्रेन्स, मतलब अगर ये आप लोग इतनी डेवलप और हाई मतलब उसकी हाई एंड क्या कहें जनरेशन की ट्रेन चला रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी ट्रेन्स हैं, लग्जरी ट्रेन्स हैं और सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, बट इससे जो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं उनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इकोनॉमी क्लास वाले लोगों के लिए ये हो। हाँ मेट्रो का कह सकते हैं, जो मेट्रो है वो शायद उसमें इंटरसिटी जो चलती है उनमें बेनिफिट हो, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं वो तो इस तरह इसमें तो नहीं सफ़र का अफोर्ड कर सकते। इसका टिकट भी जाहिर सी बात है लग्जरी ट्रेन है, स्पीड भी हाई है तो चलेगी ज़्यादा। अच्छा इसके अलावा एक गुड न्यूज़ भी, कल मैं देख रहा था जो चेनाब ब्रिज पे इंडिया ने ट्रेन चलाई है, ठीक है 100+ किलोमीटर पे उन्होंने उसको टेस्ट रन दिए हैं और वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया है इंडिया ने और उसका डिस्टेंस भी आई थिंक 3 किलोमीटर है या इससे ज़्यादा है, 7 किलोमीटर है इसका मुझे सही कंफर्म नहीं है, बट चेनाब ब्रिज पे उन्होंने बहुत बड़ा रेलवे का एक ट्रैक डाला है और उसमें से टनल्स भी हैं, टनल से होती हुई ट्रेन गुजरेगी, उसमें भी इंडियंस को कंग्रेचुलेशंस कहेंगे और रेलवे उनकी काफ़ी अच्छी तरक्की कर रही है। लेकिन इकोनॉमी क्लास के लोग जो ट्रैवल करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर भी थोड़ा ध्यान करें। और ये थी आज की वीडियो रिएक्शन, होप के आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी। किस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ट्रेन, दुआ करते हैं हम हर वीडियो में दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे आगे जाए। फैसलाबाद में तो ट्रेन काफ़ी सारी बंद कर दी गई हैं, खैर एक दिन आएगा पाकिस्तान में भी इस तरह की बुलेट ट्रेन और ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो इसी बात पे आज की वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।